जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम लोग आपके लिए अल्फ़ला ग्लास टेक्निकल चैनल की तरफ से एक और टेक्निकल वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे 12 mm ग्लास जो कि डोर होता है उसका साइज़ कैसे निकालते हैं, जिसकी नीचे वाली साइड पर D48A होता है 76 mm का और ऊपर वाली साइड पर हमारी पैच फिटिंग का इस्तेमाल होता है। आज हम लोग आपको बताएँगे उसके साइज़ आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है, किसी से भी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कस्टमर है, अपना काम खुद करवाना चाहते हैं लेबर रेट पे, तो आप मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज में आपके इजाफा होगा। तो जल्दी से चलते हैं जी वीडियो की तरफ। ये हमारे पास आ रहा है जी ग्लास डोर, ठीक है। इसकी यहाँ पे ये आ रहा है जी D48A। ये D48A का हमारा 76 mm का हमारा चैनल होगा एल्युमिनियम का, ठीक है। तो नीचे वाली साइड पे हमारा D48A हो गया और ऊपर वाली साइड पे ये हमारी पैच फिटिंग है। यहाँ पे एक अदद हमारी वो किली लग जाती है और नीचे इस साइड पे हमारी फ्लोर मशीन आ जाती है और ये एक अदद हमारा हैंडल हो जाता है। तो आज हम लोग बताएँगे आपको जी इसके साइज़ आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है, आपने सबसे पहले यहाँ से ये साइज़ ले लेना। मिसाल के तौर पे ऊपर मेरे पास साइज़ आ रहा है, पूरा पूरा जो साइज़ आ रहा है यहाँ से ये आ रहा है जी मेरे पास 36 इंच। 36 इंच का मेरे पास पूरा पूरा साइज़ आ रहा है, लेकिन ग्लास को मैंने 36 इंच का नहीं तैयार करवाना, ग्लास को मैंने तैयार करवाना है जी 35 इंच 6 सूत्र का मैंने ग्लास तैयार करवा देना है, ठीक है। 35 इंच 6 सूत्र का मैंने ग्लास तैयार करवा देना है। नीचे से भी हम मेरा साइज़ 36 आ रहा था और ऊपर से भी मेरा साइज़ 36 आ रहा है। नीचे और ऊपर से दोनों साइडों से मैंने 35 इंच 6 सूत्र का ग्लास तैयार करवा देना है, ठीक है। और अब चलते हैं जी हाइट की तरफ। तो हाइट यहाँ से हाइट आ रही है जी जो भी मेरे पास 84 इंच आ रही है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर मेरी 84 इंच आ रही है तो 84 में से मैंने टोटल लूजिंग कितनी देनी है, तो मेरी टोटल लूजिंग आएगी ग्लास में टोटल नीचे से ये जो बॉटम है, बॉटम से लेके टॉप जो कंक्रीट है वहाँ से लेके नीचे तक हम मेरी जो टोटल लूजिंग आएगी वो आएगी 3 इंच 2 सूत्र मेरी लूजिंग आएगी, ठीक है। इसमें D48A का चैनल का जो बीच में से मैंने माइनस करना था मैंने कर दिया, ठीक है। पूरा पूरा आपने साइज़ लेना है, 3 इंच 2 सूत्र आपने ग्लास को छोटा कर देना, ग्लास में से माइनस कर देना है 3 इंच 2 सूत्र, तो आपके सामने ये साइज़ आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ा आसान तरीका है, आप अगर आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो आप पूरे पूरे साइज़ ले आएँ, उसी के हिसाब से आप लोग ग्लास को तैयार करवा दें। तो अब बात करते हैं जी हैंडल, हम लोग हैंडल के सुराख का हमें कैसे पता चलेगा। तो अगर तो आपका हैंडल आ रहा है जी ये वाला, ये हैंडल अगर आप लोगों का आ रहा है वो आता है जी सुराख से, सुराख होता है 12 इंच और यहाँ से ये साइज़ होता है जी 18 इंच। अगर तो आप लोगों का ये हैंडल लग रहा है ऐसी शेप में, ठीक है, तो नीचे से आप लोगों ने यहाँ से ये रखना है, ये देखिए ये जो पहला आपका होल आएगा ये वाला, ये आएगा जी 37 इंच पे, ठीक है। 37 इंच पे आपका होल आएगा, ड्राइंग आपने बना लेनी। होल से फिर आपने ये वाला जो आपका ये सुराख है ये आएगा जी 12 इंच पे, तो बेहतरीन आपका सेंटर आ जाएगा। अक्सर आप लोग दुकानों पे जाते हैं तो बड़ा सेंटर में हैंडल लगा होता है, तो ये वो इसी के हिसाब से लगा होता है। तो ये ऊपर पैच फिटिंग आ गई, नीचे D48A आ गया और नीचे वाली साइड पे हमारी फ्लोर मशीन आ गई। ये 12 mm ग्लास टेम्पर का साइज़ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।